साइबर सिटी गुरुग्राम में देवर को शराब पीने से रोकना भाभी को मौत का कारण बन गया। ये घटना शिवाजी पार्क की है, जहां 39 वर्षीय निधि, जो कि एक निजी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी, उसे उसके ही देवर ने गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक निधि अपने देवर नवनीत को शराब पीने से रोक रही थी, जिसके बाद उसके देवर ने पहले झगड़ा किया और फिर चाकू से हमला करते हुए अपनी भाभी का गला काट दिया। हालांकि निधि की चीख सुनकर आस पड़ोस व घर में मौजूद लोग छत की तरफ भागने लगे, लेकिन छत का दरवाजा बंद था। किसी तरह पड़ोसी की छत से कूदकर परिजन आरोपी को पकड़ने लगे, तो उसने परिजनों पर भी चाकू से हमला बोल दिया और इस दौरान हुई झड़प में आरोपी को भी गंभीर चोटें आई हैं। कल हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि शिवाजी पार्क के पास में गली नंबर 15 के अंदर एक चाकू से महिला की हत्या का मामला है। जिस संबंध में हम मौके में पहुंचे तो वहां पे महिला को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था, और उसके बाद में जैसे हमने जो आरोपी था वो भी घायल अवस्था में ऊपर पड़ा था, जिसको हमने अपनी कस्टडी में लेकर के सिविल हॉस्पिटल के अंदर लेकर के गए थे, जहां अभी उसको उपचाराधीन है और बाद में उसको सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। क्या कुछ सामने निकल गया है सर, किस वजह से चाकू से वार किया गया? चाकू से वार करने की वजह ये थी कि शराब पीने का आदी था और घर पे इसको बार बार इस बात के लिए रोका जाता था, और उसी बात को लेकर के इसने अपने भाभी का गला काट दिया, और ये ज्वाइंट फैमिली थी, सारे एक साथ रहते। क्या कुछ इसका पहले आपराधिक तकरार है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया है कि पहले किसी अपराध में संलिप्त रहा हो। बाकी अभी इसका रिकॉर्ड वगैरह हम चेक करेंगे तो हो सकता है कुछ निकल के सामने आता है तो आपसे शेयर कर देंगे। तो अभी से गिरफ्तार करने के क्या कुछ आगे की कार्रवाई है? अभी कस्टडी में लिया गया है, अभी उसका उपचार चल रहा है। जैसे ही उसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, डॉक्टर साहब उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे, तब नियमानुसार जो कानून अनुसार जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि चाकू से गला कटने के बाद महिला को मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना में आरोपी नवीन को भी गंभीर चोटें लगी हैं, जिसे सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।